उत्तर प्रदेश गाजियाबाद मुरादनगर डिफेंस कॉलोनी शमशान जा रहे लोगों के ऊपर गिरी छत, 18 लोगों की मौत और कई हुए घायल। मुरादनगर डिफेंस कॉलोनी में अपने बाबा को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे गैलरी की छत गिरने से 18 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतकों में परिवार के सदस्य भी शामिल। जो लोग जा रहे थे अंतिम संस्कार में, वह शमशान घाट में अग्नि को लगाने के बाद वापस लौट रहे थे, तो एक पंडित जी के कहने से वह एक गैलरी में रुक गए, जिस कारण वह गैलरी नीचे गिर गई और जो लोग वहाँ खड़े थे वह उसमें दब गए। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मृत घोषित कर दिए गए। यह नजारा गाजियाबाद के मुरादनगर डिफेंस कॉलोनी का है। आप देख सकते हैं आंखों देखा हाल। हमारे संवाददाता ने इसको अपने कैमरे में कैद किया। मेरठ मंडल ब्यूरो सुशील रस्तोगी की खास रिपोर्ट। सर, मुरादनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या है पूरा? देखिए, ये कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए हुए थे। हाँ। और उसको बारिश वगैरह होने लगी, वो लोग यहाँ पर एक निर्माण कार्य हुआ था, उसके नीचे लोग आ गए और ये बताते हैं कि उल्टा एक वो छत उसकी गिर गई और उसमें अभी प्राइम उद्देश्य हम लोग का है कि NDRF की टीम को डाली गई है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुँचा। लगभग कितने लोग आए थे सर? की संख्या ये भी कोई जानकारी नहीं। मेन उद्देश्य हम लोग का ये है कि ये आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा चल रहा है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको पहले निकाल। अब तक कितने लोग निकाल लिए गए सर? सर, कितने की कैजुअलिटी हो गई? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे जब हमारे बाबा जी गुजर गए थे तो हम उसे यहाँ ले गए थे, हमने सीधे वहाँ ले गए थे अग्नि अस्पताल में, ठीक है। वहाँ पर अग्नि दाग लगा के जब आए तो हमने ये कहा था, पंडित जी से ये बोला था, पंडित जी यही लगा लो, तो पंडित जी नहीं माने, पंडित जी ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे वो होएगा पूजा वूजा हैं। तो एकदम मैं तो वहीं था आगे जहाँ हमारे बाबा जी आगे वो कर रहे थे अग्नि, ठीक है। वहाँ से आया तो एकदम आवाज़ आई बहुत तेज बड़बड़, तो एकदम वो छत गिरी, तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब दब गए। लोग थे आप लोग? हम ये बल्कि मतलब काफ़ी थे हम। कहाँ से आए थे आप? हम ये डिफेंस कॉलोनी से। क्या डेथ हो गई थी? हाँ, हमारे बाबा जी एक्सपायर हो गए थे, हमारे पापा जी के मामा। कितने लोग दबे आतंक का, कितने लोगों की? ज्यादा ही थे, ज्यादा ही थे। आप मौके पर थे तब? हाँ, जब मौके पर था मैं वहीं। तो आपके परिचित दबे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे ताऊ का लड़का दबा हुआ है, मेरे चाचा थे, सगे चाचा वो मर गए, वो हॉस्पिटल ले गए, कुछ नहीं है उसमें, वही निकले। और हमारे पिताजी के कंधे पर चोट आई, वो बच गए और कुछ नहीं था, और सब जिस जो हमारे बाबा हैं एक्सपायर हुए उनके। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये गिरा लेंटर? हाँ, मैं वहीं था, मैं वहाँ पे था जहाँ हमारे बाबा जी जल रहे थे। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।